हे गाइस, वेलकम टू वेब डेव क्लाउड। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएचपी के अंदर फंक्शंस क्या है, उनका रोल क्या है और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो फंक्शंस दो टाइप के होते हैं, एक तो लाइब्रेरी के अंदर के इनबिल्ट फंक्शंस जो पीएचपी प्रोवाइड करता है, और एक होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो कि हम खुद से लिखते हैं, उसकी उसका कोड और उसका कोर लॉजिक हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं, और फंक्शनलिटी और फीचर के अकॉर्डिंगली वी वी कैन ऑल्सो मेक चेंजेस इन दैट एज वेल, बट वी कैन नॉट मेक चेंजेस इन दी इनबिल्ट पीएचपी फंक्शंस। मतलब जो बिल्ट इन पीएचपी लैंग्वेज जो फंक्शंस देता है उनके फीचर्स, उनका लॉजिक हम नहीं चेंज कर सकते, बट जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जो हम खुद से डिफाइन करते हैं उनका लॉजिक हम कभी भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। सो सबसे पहले चेक करते हैं कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या है। मानो कि कोई भी एक स्ट्रिंग फंक्शंस है, एरे फंक्शंस है जो कि पीएचपी की लाइब्रेरी के अंदर लिखे हुए हैं, वो बिल्ट इन फंक्शन है। जैसे कि ये सपोज स्ट्रिंग है, लेट से डॉलर str इज इक्वल टू दिस इज टेस्ट स्ट्रिंग, और मुझे ये स्ट्रिंग रिवर्स करनी है, मतलब पूरे उल्टे ऑर्डर में प्रिंट करनी है। तो उसके लिए एक फंक्शन है strrev करके, और इसके अंदर मुझे पास करनी है ये स्ट्रिंग। तो अभी ये जो हो गया, अगर मैं इसको इको करूंगा तो ये पूरी स्ट्रिंग रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगी। सो लेट्स चेक ऑन द ब्राउजर। सी, दिस इज द रिवर्स स्ट्रिंग फंक्शन। उसी तरह हमें अगर इस स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है, लेट से strlen, मतलब ये स्ट्रिंग है पूरी, उसमें कितने कैरेक्टर्स है, तो वी कैन काउंट लाइक 1 2 3 4, दिस इज ब्लैंक प्लेस, ब्लैंक स्पेस, वो भी एक कैरेक्टर की तरह कंसिडर होती है। सो 5 6 7 8 और 4 12 13 14 15 16 17 18 90, सो इट शुड प्रिंट 19। लेट्स चेक एंड कंफर्म। ओके, तो यहाँ पे उसकी लेंथ दे रहा है। इसी तरह एरे फंक्शंस होते हैं, लेट्स जस्ट कमेंट दिस फॉर सम टाइम। लेट्स से वी आर टेकिंग वन एरे इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ये हमारे एरे हैं, और ये एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसका हमें काउंट चाहिए। तो उसके लिए फंक्शन है काउंट इटसेल्फ, और उसके अंदर सिंपली एरे पास कर दो। तो एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट आपको रिटर्न करेगा। सी, इट्स 5। ऑल्सो अगर सपोज ये एक स्ट्रिंग का एरे है जिसमें कुछ नाम है, लेट से ए देन ABC देन XYZ देन MNO, और अगर आपको ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए तो इसके लिए फंक्शन है सॉर्ट, और उसके अंदर सिंपली ये एरे पास कर दो। तो ये जो एलिमेंट है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे, और सिर्फ इसको प्रिंट करके चेक करना है। एरे प्रिंट करने के लिए अगेन ये जो प्रिंटर फंक्शन है वो भी एरे का ही फंक्शन है, क्योंकि एरे प्रिंट करने के लिए यूज होता है। तो AAA ABC देन MNO एंड XYZ, यहाँ पे चेंज हो गया ऑर्डर क्योंकि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। वैसे ही अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में चाहिए तो यहाँ पे सॉर्ट की जगह सिर्फ आर सॉर्ट लिख दो, तो ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा, विच ब्रिंग्स XYZ एट द फर्स्ट प्लेस। सो ये हो गए बिल्ट इन फंक्शन। देर आर लॉट ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, यू कैन चेक इन दी डब्ल्यू थ्री स्कूल्स और समवेयर एल्स, मे बी ऑन द इन द PHP's ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। सो आप ये सब फंक्शंस ट्राई कर सकते हैं। तो अब
देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है? वो ऐसे फंक्शन के जो हम खुद से लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन को लिख सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए ये सब रिमूव कर देते हैं और हमें लिखना है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए हमें एक पीएचपी का कीवर्ड लिखना है जिसका नाम है फंक्शन, और उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन जो कि हम डिफाइन करना चाहते हैं। लेट्स से हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो दो नंबर को ऐड करे, दो जो नंबर हैं उनका सम क्रिएट करे। तो फंक्शन का नाम रखते हैं सम, और लेट्स से यहाँ पे इको, लेट्स से सम इज इक्वल टू 5 + 4, और यहाँ पे सम है वो प्रिंट कर देते हैं डॉलर सम। और अभी ये फंक्शन सिर्फ हमने डिफाइन ही किया है, तो अगर हम आउटपुट देखते हैं ब्राउजर में तो कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी ये फंक्शन हमें कॉल करना पड़ेगा ताकि इसके अंदर का जो लॉजिक है वो एग्जीक्यूट हो। तो इस फंक्शन को अगर हमें कॉल करना है तो हमें सिर्फ लिखना है फंक्शन का नाम, और ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। और फंक्शन के अंदर का जो लॉजिक है वो हम देखें तो एक वेरिएबल है सम नाम का, जो कि 5 और 4 का सम करके इसमें स्टोर करता है, और दूसरी लाइन में ये सम को हमने प्रिंट किया है जो कि है 9। तो अभी हमें 9 प्रिंट होता हुआ मिलना चाहिए ब्राउज़र पे। ओके, तो ये है हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। लेट से हमें लिखना है कि द सम ऑफ 5 + 4 इज, और ऐसे करके देना है तो हमें ऐसा आउटपुट मिल जाएगा। और अभी हमें 5 + 4 का सम करना है तो हमें ये सब लॉजिक दूसरी बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये फंक्शन सिंपली दूसरी बार कॉल करवा देना है ऐसे, और ये कोड है वो दूसरी बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। नई लाइन में लिख देते हैं, लेट्स से यहाँ पे br। तो जितनी भी बार ये फंक्शन कॉल होगा उतनी बार ये लॉजिक है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये लॉजिक हमें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली ये लॉजिक का फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया, और फिर जितनी भी बार हमें ये लॉजिक एग्जीक्यूट करना है उतनी बार हमें फंक्शन कॉल करवाना है। लेट्स से 3, 4, 5, टोटल 5 बार, तो 5 बार ये लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, ये तो अभी हो गया कि ये सम, ये फंक्शन है हमारा यूज़र डिफाइंड, वो सम करता है 5 + 4 का, लेकिन हमें 5 + 4 की जगह हमारा खुद का एक वेरिएबल सेंड करना है, उसके बीच में सम परफॉर्म करना है, ना कि हर बार मुझे 5 + 4 का आउटपुट चाहिए। हर बार मुझे एक अलग अलग दो नंबर है उसका आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए हम पैरामीटराइज्ड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जो कि पैरामीटर एज ए आर्ग्यूमेंट ले और उसके बेस पे सम क्रिएट करे। तो उसके लिए हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी जस्ट रिमूव दिस। ओके, तो इसके लिए लेट से हम यहाँ पे पैरामीटर पास करवा सकते हैं, number 1 and number 2। बेसिकली ये है वो वेरिएबल्स ही है जो एज ए पैरामीटर मैंने इस फंक्शन में पास किए हैं, और यहाँ मुझे 5 + 4 की जगह पे पास करना है number 1 और number 2, और यहाँ पे भी मुझे डायनामिकली वैल्यू प्लेस करनी है, द सम ऑफ number 1 and number 2 इज सम। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये सपोज नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है 2, तो यहाँ मुझे 2 नंबर पास करवाना है, लेट्स से 2 and 3। तो अभी ये यहाँ से जो मैंने आर्ग्यूमेंट पास की है वो इन दोनों आर्ग्यूमेंट में मैप करेगा, तो number 1 बन जाएगा
दो और नंबर टू बन जाएगा तीन, और दो और तीन का सम करके ये सम नाम के वेरिएबल में सेव करेगा, और बाकी जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगी जो हमने अगले एग्जांपल में देखा, जो कि 5 और 4 का सम क्रिएट करता था। तो लेट्स चेक दिस, द सम ऑफ 2 विच इज नंबर 1 प्लस 3 विच इज नंबर 2 इज इक्वल्स टू 5। अब हम कोई भी नंबर है उसका सम क्रिएट कर सकते हैं डायनामिकली। लेट्स से यहाँ पे मैंने पास कर दिया 25 और यहाँ पे 30, तो नई लाइन में 25 प्लस 30 इज इक्वल टू 55। मोर 215 प्लस 300 इज इक्वल टू 515। तो इस तरह से हम फंक्शन लिख के जो रिडंडेंट कोड है, जो कि हम रिपीट होने से बचना चाहते हैं, वो कोड हम उस कोड से एस्केप कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे 100 नंबर के बीच सम करवाना है तो मुझे ये कोड 100 बार नहीं लिखना पड़ेगा, रदर मुझे ये सिर्फ फंक्शन है वो 100 टाइम्स कॉल करना पड़ेगा और ये हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो इसमें ये तो अभी फिक्स हो गया कि पर्टिकुलरली 2 नंबर के बीच में ही ये सम परफॉर्म करेगा हमारा फंक्शन। लेकिन अब मुझे ऐसा चाहिए कि यहाँ पे मैं जितने भी आर्ग्यूमेंट, जितने भी नंबर पास करूँ, उनके बीच में मुझे सम होके मिलना चाहिए। तो अभी यहाँ पे तो मैं ऐसा लिख नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 4 आर्ग्यूमेंट पास करूँ तो यहाँ मुझे 4 रखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं 10 आर्ग्यूमेंट पास करूँ तो मैं ये उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकता। तो मुझे ये फंक्शन है वो पूरा डायनामिक चाहिए, कि एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, जब मैं ये फंक्शन कॉल करूँ, तब मैं जितनी भी आर्ग्यूमेंट यहाँ से पास करूँ उनके बीच में मुझे सम होके मिलना चाहिए। तो उसके लिए अभी ये फिक्स नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है, तो इन्हें मैं निकाल देता हूँ। बेसिकली ये मैं पूरा कोड है वो फिलहाल इरेज कर देता हूँ। तो जितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं पास करता हूँ, अगर वो मुझे एक वेरिएबल में चाहिए, तो उसके लिए फंक्शन है फंक अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर आर्ग्स, जो कि एक एरे रिटर्न करेगा जिसमें जितनी भी आर्ग्यूमेंट एट द टाइम ऑफ कॉलिंग मैं पास करूँगा उतनी आर्ग्यूमेंट एज ए एरे मुझे मिलेगी। तो ये पूरा फंक्शन है वो एरे रिटर्न करेगा, जो कि मैं स्टोर करता हूँ एक वेरिएबल में जिसका नाम है लेट्स से आर्ग्स। तो इस आर्ग्स में जो एरे रहेगा उसमें वैल्यू रहेगी 2 और 3, फिर दूसरी बार ये फंक्शन कॉल होगा तब इसकी वैल्यू होगी 25 एंड 30, और तीसरी बार जब कॉल होगा तब इसकी वैल्यू होगी 215 एंड 300। तो लेट्स जस्ट चेक इट्स आउटपुट। सो प्रिंट आर एंड आर्ग्स। ओके, तो ये पहला एरे है, तो उसमें वैल्यू है 2 और 3, दूसरी बार है 25 30, तीसरी बार है 215 एंड 300। तो अगर पहली बार लेट से पहले कॉल में यहाँ पे मैं नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज कर दूँ, तो यहाँ पे 4 आर्ग्यूमेंट हो गई। तो ये जो फंक्शन है इसमें मुझे एरे में 4 वैल्यू मिलेगी, सी 2 3 9 एंड 0। तो अब मुझे क्या करना है कि जितने भी एलिमेंट मुझे एरे में मिलेंगे उनके बीच में मुझे सम परफॉर्म करवाना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम एरे को इटरेट करके उनकी उनके जो एलिमेंट है उनके बीच में सम परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए लेट्स से हम एक वेरिएबल लेंगे सम इज इक्वल टू 0, सम की इनिशियल वैल्यू है 0, और एरे इटरेशन के लिए कोई भी लूप 4 या तो 4 ईच, जो भी कंफर्टेबल लगे वो हम ले सकते हैं। लेट से एरे है तो पर्टिकुलरली 4 ईच लेते हैं, और एरे इज वैल्यू, और यहाँ पे उसका सम मतलब जितने एलिमेंट है उनके बीच में सम परफॉर्म होगा ये लॉजिक से, सम प्लस जो वैल्यू है वो वैल्यू। हर बार पहली बार सम 0 होगा तो 0 प्लस जो भी वैल्यू है वो, और वो अगेन सम में स्टोर हो जाएगी, और ये पूरा लूप में
जितने भी आर्ग्यूमेंट है उनका सम करके फाइनल जो आउटपुट है वो अगेन सम वेरिएबल में स्टोर करके हमको रिटर्न करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सम, तो उसमें मुझे जितनी भी आर्ग्यूमेंट है उनका समेशन मिलेगा। तो यहाँ पे देते हैं कि द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इज एंड द सम। तो लेट्स से यहाँ भी कुछ पास कर देते हैं, 15 एंड 30। सो लेट्स चेक, 2390 मतलब 3, 2, 5, 9 एंड 5, 14 प्लस 0 इज इक्वल टू 14, और इसका जो भी सम है वो हमें मिलना चाहिए। लेट्स चेक, लेट मी जस्ट पुट ब्रेक टैग। ओके, 14 देन 100 एंड 515। तो अभी ये हमारा प्रोग्राम है वो फुली डायनामिक हो गया है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 100 पास कर देता हूँ, तो अब हमें ये जो लॉजिक है उसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही ये नंबर है वो सम के लॉजिक में इंक्लूड कर देगा। तो 14 है उनका हो जाना चाहिए 114। ओके, सो ये था फंक्शन का लॉजिक। फंक्शन में हम कुछ भी लिख सकते हैं जो कि हमको बार बार एग्जीक्यूट करवाने की ज़रूरत है, तो कोड है वो एक ही टाइम लिख के वो कोड को क्लीन और मैनेजेबल बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें ये फंक्शन में ये इको नहीं करना है, तो फंक्शन है ये पूरा रिटर्न भी कर सकता है। लेट्स से हमें ये यहाँ पे ये प्रिंट नहीं करवाना, तो हम इसको रिटर्न करवा देते हैं जहाँ से ये फंक्शन कॉल किया है वहाँ, यहाँ से लेट से रिटर्न हो गया। तो रिटर्न के बाद का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ से कंट्रोल है हमारा रिटर्न हो जाएगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ पे। तो अभी ये निकाल देते हैं, और ये जो रिटर्न होगा वो यहाँ पे एज ए वेरिएबल हम कहीं पे स्टोर कर सकते हैं, लेट से सम वन। और अभी सम वन की हम जो वैल्यू है वो प्रिंट करेंगे, तो हमें बेसिकली क्या मिलेगा, ओप्स, इन नंबर के बीच में जो सम होगा वो यहाँ पे परफॉर्म होगा, वो परफॉर्म होके सेव होगा सम में, वो सम रिटर्न होगा यहाँ पे अगेन स्टोर होगा सम वन में, और फिर ये हमारा आउटपुट प्रिंट होगा। तो अभी आउटपुट सिर्फ इसी के लिए आएगा, क्योंकि ये दो फंक्शन कॉल के टाइम पे जो रिटर्न हो रहा है वो हम कहीं पे प्रिंट नहीं करवा रहे हैं। अभी पहले क्या होता था कि फंक्शन के अंदर ही हम प्रिंट करवाते थे, अब हम फंक्शन के अंदर प्रिंट नहीं करवाते, लेकिन वहां से कंट्रोल को रिटर्न करवाते हैं वहां पे जहां पे फंक्शन कॉल हुआ है। तो यहाँ पे हमने सम वन में ये जो रिटर्न होके आया वो वैल्यू को स्टोर करवाते हैं, और उसके बाद उसको प्रिंट करवाते हैं। तो लेट्स चेक, ओके, अभी आउटपुट सिर्फ पहले फंक्शन के लिए ही मिला है। सिमिलरली हमें दूसरे फंक्शन के लिए भी आउटपुट चाहिए, तो हम इसको बेसिकली हमको ये रिपीट करना पड़ेगा। लेट्स सम टू, यहाँ पे इसको सेव करवाते हैं सम टू, और सिमिलरली फॉर दिस लेट्स से सम थ्री, और यहाँ पे सेम सम थ्री। तो ओके, अभी तीनों के लिए प्रिंट हो जाएगा जो कि हमारा पहले आउटपुट था। तो इसको बोलते हैं फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न टाइप। यहाँ पे बेसिकली हमारा फंक्शन है वो कुछ रिटर्न करता है, वो कोई भी आर्ग्यूमेंट रिटर्न कर सकता है, स्ट्रिंग रिटर्न कर सकता है, एरे रिटर्न कर सकता है, नंबर, फ्लोट, कुछ भी रिटर्न कर सकता है। बाय द वे, वी कैन आल्सो स्पेसिफाई हियर अ फ्लोटिंग नंबर, लेट्स से 3.5, और
उसको भी सम में इंक्लूड कर लेगा। ओके, तो ये था फंक्शन का बेसिक एक्सप्लेनेशन। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।